आप अक्सर वक्त कमेंट करते हैं ना कि जब बाइक पंक्चर हो जाए तो क्या करते हैं, तो ये देखिए जनाब अभी बाइक पंक्चर हो गया है और अभी समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करें। पंक्चर का सामान तो है मेरे पास लेकिन ये ट्यूबलेस अभी इसमें एक और मसला है। कोई बात नहीं है यार, मसला है, हल कर लेंगे इसको। और अभी आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैं कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा हूँ। तो जनाबी वाला मैं गया था मौला चटुक और वहाँ पर मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, वो तो मैंने अपने मेन चैनल पर शेयर की है, आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। लेकिन अभी मैं वापसी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हौसदार। वैसे मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ लेकिन लगता है मुझे अभी यहाँ पर परमानेंट रुकना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना कोई गांव है, ना कोई इंसान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मसला बहुत मुश्किल मसला है, बहुत ही मुश्किल मसला है। असर का टाइम है, वो भी 5 बजने वाले हैं और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो भी समझ नहीं आ रहा। अब उसके वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं टायर यूज़ करता था ट्यूब वाला, ठीक है, और फिर लोगों ने बार बार मुझे कहा कि आप ट्यूबलेस टायर यूज़ करो, ट्यूबलेस टायर यूज़ करो। तब मैंने ट्यूबलेस टायर यूज़ किया है लेकिन पता नहीं इससे एकदम हवा निकल गई, पता नहीं क्या हुआ। अब जब मैं इसको हवा देता हूँ आप देख सकते हैं इसकी साइडों पर निकल जाती है, ये हवा इसमें रुकती नहीं, ये देख रहे हैं आप, हवा यहाँ से निकल जाती है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे पीछे एक चंद बंदे आ रहे हैं, अब पता नहीं कि वो कब तक पहुँचेंगे। 4-5 बंदे हैं, हो सकता है वो अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करे, टायर को पकड़े, मैं जल्दी जल्दी हवा दे दूँ ना तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यार। गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रहा है, बहुत दूर है, अब मुझे नहीं पता कि कितना दूर है लेकिन कुछ तो सुनाई दे रहा है मुझे। ये बंदा तो ऐसे ही डायरेक्ट गुजर गया, मैंने इशारा भी किया लेकिन रुका नहीं, जैसे इसके हमारे साथ कोई दुश्मनी हो। लेकिन ये दोनों बंदे रुकेंगे क्योंकि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मसला खराब है, मसला टायर खत्म हो गया है। पता नहीं क्या करेंगे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा जो यहाँ से अभी कितने का रास्ता होगा, मैं अगर मैं पैदल इसको ले जाऊँ, पैदल कितना रास्ता होगा? आगे सफर नहीं कर सकते आप, आगे अच्छा। रास्ता बहुत खराब है, बारिश की है ना, हाँ। आपको स्टॉप करना है अच्छा। हम लोगों ने इनको माजरात किया, आगे जाओ वो होटल नहीं है, उधर रिहायश करो, सुबह उधर से गाड़ी आपको उठाएगा, हाँ। वापस उधर ले। इधर कहाँ होटल? इधर तो कोई होटल होटल मोटल नहीं है, वो उधर एक दुकान है ना, अच्छा हाँ आबादी है, वहाँ पर रिहायश करो, आपको मिलेगा खाने पीने के लिए चीज आपका। अगर इधर इस तरफ कोई घर कोई मतलब कुछ, एक नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, है तो वहाँ पर मैं अपना टेंट लगाता हूँ, रात गुजार सकता हूँ, रात कोई मसला नहीं, नहीं, नहीं इस तरफ नहीं है। अच्छा। इस तरफ वो हाईवे रोड पहुँच गए, जब एक दो रास्ते में मिले या नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पर वो भी शाम करना पड़ेगा। ये लोग भी चले गए क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है यार। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने ट्यूबलेस टायर डाले, मुझे ट्यूबलेस नहीं डालना चाहिए था। बस अभी मुझे मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, बस सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि बस मैं इसको पैदल लेके चलूं। अब तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता होगा पैदल, तो जाहिर सी बात है अभी 5 बजे है, तो मैं अगर अभी यहीं से निकलता हूँ तो 6-7 बजे तक बाहर रोड पर पहुँच जाऊँगा। ये लोग तो कह रहे थे आगे जाओ आधा घंटे के लिए, वहाँ पर गांव है और ये है वो है, लेकिन गांव में क्या करूँगा, गांव में सुबह वापस फिर मुझे आना होगा,
तो इससे अच्छी बात यह है कि मैं भी यहीं से निकल जाऊँ आराम आराम से, आराम आराम से इसी पंक्चर बाइक को लेकर चलते हैं, देखते हैं कहां तक हम पहुंच सकते हैं। हम आराम आराम से जाएंगे, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है बस। One hour later. एक घंटे में मैंने 2 किलोमीटर सफ़र किया है और यह सामने गाड़ी आ गई, हो सकता है ये मुझे ले जाए। जी क्या हाल है, ठीक है? मुझे बाहर ले जा सकते हो? बाहर मेन रोड तक अभी? हाँ, आधे घंटे आप इधर रेस्ट करना, तो मैं वापस आओगे? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आराम आराम से जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो मेरी बाइक का अगला पहिया पंचर खत्म हो गया। अच्छा, हाँ चलो चलो, आप आराम आराम से जाओ, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा रास्ते। अच्छा, और कितना रास्ता बाकी है वैसे? बाकी तकरीबन 25 किलोमीटर होगा। 25 किलोमीटर पहाड़ है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना। आप आओगे तो सही ना? मैं आओगे, जरूर आओगे। अच्छा बस ठीक है, मैं आराम आराम से जा रहा हूँ, जहाँ तक हो सका आप आ जाओ, ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा रस्सी तो है ना आपके पास? रस्सी बस ठीक है, थोड़ी सी जगह हो ना पीछे? अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया, ओके। अल्लाह मालिक। तो जनाब वाला अभी 7 बज गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शाम होने वाली है, बल्कि शाम हो गई है। और वो जो ड्राइवर ने कहा था ना कि मैं आधे घंटे में पहुंचने वाला हूं, वो भी नहीं पहुंचा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना सफ़र जारी रखा, मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, मैंने अपना सफ़र जारी रखा और अभी मैं काफ़ी करीब पहुँच गया हूँ। 3-3.5 घंटे हो गए मुझे सफ़र करते हुए और अभी मैं करीब पहुंच गया हूं। और यहां पर मुझे एक कमरा भी मिल गया है, यहां पर कोई घर है पता नहीं क्या है, थक गया हूं बहुत ज़्यादा, ये जो बाजू है बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो यहां पर इनसे पूछता हूं अगर एक कप चाय मिल जाए तो। मैंने तो सोचा था कि ये घर है, लेकिन दरअसल ये घर नहीं है, यहां पर लेवीज वाले रहते हैं। और बड़ा अच्छा बंदा था, उसने चाय पिलाई मुझे और अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, थकान थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, बाजू जो है दर्द कर रही है क्योंकि हैंडल को बार बार कंट्रोल करना पड़ता है ना ज़ोर से, तो टायर तो है नहीं आगे पहिए में। अभी हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मेरे पीछे बहुत दूर यहाँ पर एक लाइट है और वहाँ पर वो होटल है और इंशाल्लाह उसके साथ जो है ना पंक्चर मैन है, तो इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं एक और चीज़ ने थोड़ा सा परेशान किया है, सबसे पहली बात कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा तो इशा का अजान भी हो जाएगा, तो हो सकता है वो गया हो पंक्चर मैन। दूसरी बात यह है, अगर पंक्चर मैन मौजूद भी हो तो हमारा तो टायर ख़त्म हुआ है, तुम्हारा तो पंचर का मसला है ही नहीं, तो उसके पास टायर होगा कि नहीं। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं अल्लाह मालिक। चलिए जी आगे चलते हैं। वो जो ड्राइवर था ना, जो जिसने कहा था मैं आधे घंटे में आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, वो अभी तक नहीं पहुँचा और अभी रात हो गई है और अभी यहाँ पर पंक्चर वाला भी घर गया है, मतलब वो भी बंद है। कोई बात नहीं, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। देखो आप खुद करे, अच्छा से अच्छा अच्छा आदमी लग रहे। अच्छा, अल्लाह का मदद आपके साथ 100% है। ओ जी, ओ अच्छा, समझा ना, जी अल्लाह आपको खुश रखे। मैं कहाँ से आपको अच्छा लग रहा हूँ, मतलब बात यह कि चेहरे से आप अल्लाह का वली है। अच्छा, हाँ चेहरे से नजर आ रहा है। अल्लाह पाक आपसे दीन का काम ले रहा है, दुनिया का भी काम ले रहे, आप सरदार है, मैं तस्दीक करता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, चेहरे से मालूम होता है। शुक्रिया जी, और अल्लाह का आप शुक्र जितने करेगा अल्लाह अपने नेमतों को बढ़ाएगा। शुक्रिया, वो अल्लाह का वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से इलाके? मैं सर पेशावर से हूँ। पेशावर की, पेशावर बाड़े का तो नहीं आप? नहीं 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 सर, बाड़े का नहीं हूँ। पेशावर बाड़े का साथी हमारे साथ जमात में वक्त लगाया। अच्छा अच्छा, मैं मेन सिटी का हूँ, मेन सिटी का। अच्छा 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 अच्छा, तो बात ये कि इधर आप चुटुक गए? हाँ हाँ, मैं चुटुक गया था घूमने के लिए। अच्छा जी, हाँ
तो आपको खुश रखे, बहुत दूर से आप तो हमारा मेहमान है यार। बस शुक्रिया सर, बाजार से बात है, अभी तो रात यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं। बात नहीं, हमारे साथ जगमग है। अच्छा, जिंदाबाद चाचा, चाचा की बकरी का दूध भी मिलेगा और मकरे वो भैंस का भी मिलेगा। समझा ना, आप खुश ही हो जाएंगे। और शुक्रिया जी, शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, खुश रखे। सुबह बखैर जनाब खुशदार से, रात मैंने उस सामने वाले होटल में गुजारे और ये मेरे बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वो होटल पूरी रात चलती है ना, तो मुझे नींद सही नहीं आई, शोर शराबा बहुत ज़्यादा था। मैं चाचा के साथ नहीं गया, चाचा यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। मेरा पहिया, बाइक का जो पहिया ख़राब था ना, तो मैंने बोला यार मैं उसको अवॉइड करता हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। काश मैं उसके साथ चला जाता, कम से कम नींद तो पूरी हो जाती। बहरहाल अभी मैं वापस उस बाइक के पास आया हूँ और ये हम पहिए को खोल रहे हैं।